Hello guys, this is your friend Jyoti, and today in this lecture we're going to discuss about international organizations and their headquarters. ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, और आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चलिए आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं इंटरनेशनल, जो कि हमेशा न्यूज में रहते हैं, बट कंफ्यूजन हमें जब होता है जब एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स क्या है इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, यहाँ से काफी क्वेश्चन भी फंसते हैं, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज ब्रिक्स, ब्रिक्स है क्या? तो ब्रिक्स क्या है, देखिए ये पांच, ये एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब कि ये समूह है, संगठन जिसको हम बोलते हैं। तो ये पांच कंट्रियों का एक समूह है। कौन कौन सी कंट्री है इसमें? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, तो ये फाइव कंट्रीज मिलके जो ग्रुप बनाती है उसको हम बोलते हैं ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ लोकेटेड है? ब्रिक्स टावर। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ऑप्शन में आपको ब्रिक्स टावर देखिए, हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है शंघाई चाइना। ओके, इस साल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो ब्रिक्स समिट है इस साल की 2021 की, उसको जो होस्ट कर रहा है वो कर रहा है इंडिया। और याद हमें रखना है इसका टाइटल। तो कौन सा टाइटल है? ये 13th टाइटल है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ था, ओके, तो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ब्रिक्स समिट जो हुई थी रशिया में हुई थी, और कब हुई थी? 2009 में। अब हम याद रखेंगे इसकी थीम। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है? क्वेश्चन आता है कि टाइटल कौन सा था। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 13th टाइटल था। अब इसकी जो थीम है वो क्या होगी? ओके, तो थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स एट रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस पे फोकस करती है? तो देखिए ये जो समिट है ये थ्री पिलर्स पे फोकस करती है। तो हम नाम याद ना भी रखे तो भी चलेगा, ओके, बट हम एक बार देख लेते हैं। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ब्रिक्स के बारे में जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन करते हैं जो कि हमारी यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही ज्यादा एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को यू नो कंट्रोल भी करती है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा न्यूज में रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। पहला क्वेश्चन कि ये काम किस लिए करती है? तो फर्स्ट ये काम करती है देखिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो इंटरनेशनली पीस बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ग्लोबल इकोनॉमी का वो स्टेबल रहे, इसलिए ये वर्क करती है। तो सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट देख लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। अभी जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट हम देखेंगे हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। अब हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस वर्क कैसे करती है। तो इसकी कुछ और साथी समूह है, संगठन है, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी हेल्पिंग बॉडीज हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो फाइव प्रिंसिपल ऑर्गन्स पे बेस्ड है जो कि इसकी सहायक संस्थाएं हैं। पहली है जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, जो हमारा कश्मीर मुद्दा हुआ था वो भी यहीं पे गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। और लास्ट है इनकी यूएन की सेक्रेटेरिएट। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने डिस्कस की। चलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन और समूह है वो है आशियान। तो पहला क्वेश्चन हमेशा जो एग्जाम में बनता है यहाँ से वो बनता है कि क्या इंडिया आशियान का मेंबर है? तो इसका आंसर आप ही को करना है कि इंडिया आशियान का मेंबर है या नहीं। तो फर्स्ट कि इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से हमेशा बनता है। तो मेंबर कंट्रीज है 10। ओके, और अभी लास्ट ईयर इनके सेक्रेटरी जनरल चेंज हुए हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। तो अभी जो इनके न्यू सेक्रेटरी जनरल है वो है डाटोलिम जोखोई। ओके, अब हम देखेंगे कि ये है क्या। तो बेसिकली ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे फोकस करती है। ओके, जिससे कि जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी आए, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो यहाँ पे 10 मेंबर कंट्रीज हैं। ओके,
तो अब हम देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी, 1967 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में। अब हम देखते हैं इस साल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इस साल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इंडिया आसियान का हैकथन हुआ है 2021 में। अब क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ वर्चुअली हो रहा है ड्यू टू कोविड, तो ये जो हैकथन है ये भी वर्चुअली हुआ है, और ये इनिशिएटिव इस बार इंडिया में किसने लॉन्च किया है, पीएम मोदी ने। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने लॉन्च किया है, पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हमारा द आशियान हैकथन इज बीइंग कंडक्टेड वर्चुअली, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। ओके, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, बट हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि ये किसके बारे में फोकस करता है, तो वही आपका जो 10 मेंबर्स कंट्री हैं, ठीक है, इनमें प्रोस्पेरिटी आए इकोनॉमिकली, और यहाँ पे जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो हो, उस पे ये फोकस करता है हैकथन। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारी G20, और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट समूह है, ग्रुप है हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जिसको हम किस और नाम से भी जानते हैं, G21, G23, G20+। ओके, ये कुछ ऐसी ब्लॉक डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि अभी डेवलप हो रही हैं, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, और ये मेजर इकोनॉमीज हैं जो एक दूसरे की सहायक हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ओके, वी कैन से, तो हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, G20 ग्रुप। ओके, तो G20 में याद रखिएगा फ्रेंड्स कि G20 में जो 10 कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी, जो हमने अभी आसियान डिस्कस किया है, ओके, आसियान की जो 10 कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं G20 में, तो बाकी की जो 10 है वो अभी हम देख लेंगे। ओके, तो अभी इम्पोर्टेंट है हमारे पास G20 समिट्स कहाँ पे होने वाली है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2020 की कहाँ पे होगी। ओके, 2020 की सऊदी अरेबिया, 2021 की कहाँ होने वाली है, इटली, और 2023 की कहाँ होने वाली है, इंडिया। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो इसके एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, तो यहाँ से हम देख लेंगे कौन कौन सी कंट्री है, जर्मनी, USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, आपका थाईलैंड, अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, चाइना, फ्रांस, कनाडा, इंडिया, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये आपकी 20 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि आपकी G20 में है। तो ट्रिक याद रहेगी, आई होप, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो एक नंबर पक्का हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं इस साल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए G20-21 की जो इटालियन प्रेसिडेंसी है ये थोड़ा सा हाईलाइट फोकस इसको हम कर सकते हैं, दो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, बट इसको हम देख लेंगे। ओके, तो ये December 1st से जो इसकी प्रेसिडेंसी है, ओके, वो किसको मिल गई है, वो इटली को मिल चुकी है, तो इसकी प्रेसिडेंसी या इसके चेयरमैन चेंज होते रहते, तो अभी इसकी प्रेसिडेंसी किसके हाथ में है, इटली के हाथ में। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूनेस्को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इंडिया यूनेस्को का मेंबर है या नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC में भी पूछा जाता है, मतलब स्टेटमेंट के तौर पे जनरली वहां पे डिफाइन करने के लिए हमें दिया जाता है। तो यूनेस्को, क्या इंडिया यूनेस्को का मेंबर है या नहीं, आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपके जितने भी हैं वो यूनेस्को ही आपके चूज करता है, तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऑलरेडी हैं, और इस साल भी बहुत सारे साइट्स हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो ऑफ कोर्स इंडिया यूनेस्को का मेंबर है। अब हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन तीनों ही क्षेत्रों में काम करता है ग्लोबली। ओके, क्योंकि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम बात करते हैं कि इट स्ट्राइव्स टू अचीव, अब ये वर्क किसके लिए कर रहा है, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये SDG कितने गोल्स हैं, ये 17 गोल्स हैं, ठीक है, जिन्हें सारी ही इकोनॉमीज को आपका फुलफिल करना है, हम कह सकते हैं अचीव करना है टिल 2030, तो ये सतत विकास की प्रक्रिया जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिससे कि आज के जो रिसोर्सेज हैं हम उनका ऐसे यूज करें कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए इन रिसोर्सेज की कमी ना पड़े। ओके, तो बेसिकली हमें ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना है, तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, इनको हमें अचीव करना है, तो यूनेस्को इसका मेजरमेंट करती है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज इसको फोकस कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं या नहीं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हम देख लेंगे फर्स्ट कि ये कब डेवलप हुई थी। ओके,
तो ये डेवलप हुई थी 1945 में. चेयरमैन कौन है? ऑड्रे ऑजेले. हेडक्वार्टर्स है पेरिस. ओके, और इसकी जो मेंबर कंट्री हैं करेंटली 193 हैं. फ्यूचर में हो सकता है बढ़ जाए, बट करेंटली 193. मैंने आपको बताया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए वर्क करती है, और इंडिया में भी काफी हेरिटेज साइट्स हैं जो यूनेस्को के अंडर आती हैं, जैसे कि सुंदरबन और भी बहुत सारी साइट्स हैं. ओके, तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं हम, अभी करेंटली कितनी है. 1000 से ज्यादा हेरिटेज साइट्स हैं अक्रॉस 167 कंट्रीज के अंदर. ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. चलते चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का. तो नेक्स्ट है बिम्स्टेक. ओके, सबसे पहला तो इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टीसेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ओके, तो नाम से ही पता लग रहा है. ओके, तो ऐसी कंट्रीज जो बे ऑफ बंगाल के साइड बसी हुई हैं, ठीक है, जो उससे लगी हुई हैं बेसिकली, ये उन कंट्रीज का एक संगठन या समूह हम बोल सकते हैं इसको. हेडक्वार्टर्स इसका ढाका में, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो हुई है 5 जून 1997 में. ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्वेश्चन यहाँ से आता है. ओके, तो यहाँ पे 5 साउथ एशियन नेशंस हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, और 2 साउथ ईस्ट एशियन नेशन है. ओके, कौन कौन सी है? म्यांमार एंड थाईलैंड. ओके, तो अब हम नेक्स्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सार्क. तो सार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं. पहला तो कि लास्ट मेंबर जो है सार्क का, वो कौन सी कंट्री बनी है? ओके, तो अफगानिस्तान. अफगानिस्तान 2007 में सार्क की मेंबर बनी थी. लास्ट कंट्री है जो कि सार्क को ज्वाइन करने वाली है. और इसी के साथ सार्क में कितने कंट्रीज हैं? 8. ओके, इसी के साथ कितनी कंट्रीज हो चुके हैं सार्क में? 8. तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ओके, तो गाइस रीजनल कोऑपरेशन क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, वो हम दूसरी इकोनॉमी से ऑप्ट करें या अडॉप्ट करें, और जो दूसरी इकोनॉमी में कमी है उनको हम फुलफिल करें. तो ये आपस में 8 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि अपनी स्कैरसिटी को कम करने के लिए, बेसिकली अपनी कंट्रीज में स्कैरसिटी मतलब जो कमी होती है रिसोर्सेज की, उसको पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, तो ये 8 कंट्रीज का ग्रुप है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिसेंटली. अच्छा, एक और बात इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में इसकी जो समिट थी वो डिसाइडेड थी कि होनी है, बट अभी वो कैंसल हो चुकी है. ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट बट स्टिल आपको पता होना चाहिए. तो रिसेंटली सार्क मेंबर कंट्रीज की जो पाकिस्तान प्रपोजल है, मतलब इस मीटिंग को होस्ट करने का, वो अभी कैंसिल हो चुका है. मतलब पेंडिंग था बट अभी पूरा कैंसिल हो चुका है वो. तो इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 1985 में. ओके, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट, आपके नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 8, जो कि मैंने आपको बताया था. लास्ट मेंबर कौन था? अफगानिस्तान. ओके, नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में. जो कि पाकिस्तान में होने वाली थी, टाइटल याद रखेंगे कौन सा? 19. अभी क्या हो चुकी है? कैंसल हो चुकी है. नेक्स्ट, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसी की सेंड होती है. तो गाइज आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लाएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.